नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम क्रियोजोटम के विषय में चर्चा करेंगे, क्रियोजोटम के लाभ और लक्षण के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। तो सबसे पहला लक्षण क्रियोजोटम का, तीखा और बदबूदार स्राव। क्रियोजोटम औषधि का स्राव तीखा, काटने वाला, जलन पैदा करने वाला होता है। आँख से आंसू निकलते हैं तो तीखे और जलन पैदा करते हैं। आँख के कोरों को जलन द्वारा काट देते हैं। जहाँ जहाँ आंसू लगते हैं वहाँ वहाँ जख्म सी लाली आ जाती है, वे स्थान दुखने लगते हैं। मुंह से जो लार निकलती है वह होठों को जला देती है। होठों के दोनों हिस्से जलते रहते हैं, कट से जाते हैं। प्रदर का स्राव योनि मार्ग को काट देता है, उसमें जलन होती है। वह स्राव से लाल हो जाता है, जला करता है। कभी कभी इस जलन से सूज भी जाता है। जलन तो हर समय होती ही रहती है। मैथुन के समय योनि जलती है, खून तक निकल जाता है। मैथुन के दबाव के कारण रक्त स्राव होने लगता है, जलन होती है। पुरुष को भी इस स्राव के संपर्क से उसकी इंद्रिय में भी जलन होने लगती है। पेशाब जलन से आता है। स्राव के तीखेपन से हर अंग में जलन इस औषधि का चरित्रगत लक्षण है। तीखेपन के साथ स्राव बदबूदार होता है। सोरिनम में भी अत्यंत बदबू का लक्षण पाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्रियोजोटम के विषय में बताया कि इसका स्राव बदबूदार होता है और काफ़ी तीखा, काटने वाला, जलन पैदा करने वाला होता है। वह स्राव कहीं से भी निकले, आँख से, नाक से या योनि मार्ग से, उसका स्राव काफ़ी तीखा होगा, जलन पैदा करेगा। लक्षण है कि जलने के साथ बदबूदार स्राव का आना। जलन के अतिरिक्त स्राव से बेहद सरांध और बदबू आती है। डॉक्टर टाइलर लिखती हैं कि उनके अस्पताल में एक स्त्री लाई गई जिसे ब्रोंकाइटिस था। उसके सांस तथा थूक से इतनी बदबू आती थी कि दूसरे रोगियों से अलग रखे जाने पर भी उससे बदबू दूर दूर तक फैलती थी। उसे क्रियोजोट अर्थात क्रियोजोटम 200 की 2-3 मात्राएं देने से सारी स्थिति बदल गई, बदबू दूर हो गई और रोगिनी ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर लिया और पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तो जैसा कि लक्षण बताया गया, जलन के साथ बदबूदार स्राव आया और इसी लक्षण के आधार पर क्रियोजोट उसे दिया गया। एक लक्षण है कि सारे शरीर में तपकन। छोटी सी भी उत्तेजित करने वाली घटना से रोगी इतना उद्विग्न हो उठता है कि सारे शरीर में तपकन होने लगती है। यहाँ तक कि उंगलियों के सिरे तक तपकने लगते हैं। प्रत्येक उद्वेग से रोगी को आंसू आ जाते हैं और उद्वेगात्मक संगीत से आंखों में भी आंसू आते हैं। आंसू गालों पर चिड़पिराहट पैदा करता है, जलन पैदा करता है। दिल में धड़कन होने लगती है और उंगलियों तक महसूस होती है। तो अगर सारे शरीर में ऐसी तपकन महसूस हो तब भी आपको क्रियोजोट औषधि का स्मरण करना चाहिए। क्रियोजोटम का एक लक्षण है जरा सी चोट से बहुत ज़्यादा खून निकलना। शरीर में कहीं भी पिन, सुई, कांटा चुभने से चमकदार लाल खून एकदम निकलने लगता है। स्लैस्मिक झिल्ली के किसी स्थान को जोर से दबाया जाए तो वहाँ से स्राव निकल पड़ता है। गले के शोथ में चम्मच से जीभ को दबाएं तो उससे स्राव रिस पड़ेगा। रुधिर के कुछ कतरे भी निकल आते हैं। जुकाम में नाक से खून टपक आता है। आँख आ जाने पर आँखों की लाली के साथ अगर सूजन आ जाए तो आँख से खून आ जाता है। उंगली में सुई चुभने से एक ही कतरा खून का नहीं आएगा, कई कतरे बह पड़ेंगे। आँख, नाक, योनि, जरायु, गुर्दे आदि सब अंगों से आसानी से खून निकल पड़ना, मैथुन से भी रुधिर आ जाना, ट्यूमर में से आसानी से रुधिर बह पड़ना इस औषधि में पाया जाता है। तो अगर जरा सी चोट से बहुत अधिक मात्रा में खून निकल पाए पड़े तो आपको जरूर क्रियोजोटम औषधि का स्मरण करना चाहिए और उससे लाभ हो जाता है। एक सबसे अच्छा लक्षण है इस दवा का कि दांतों के निकलते ही उनका क्षय शुरू होना। इसे दांत और मसूड़ों की सर्वोत्तम दवा कही जानी चाहिए। बच्चों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, बच्चों के दांत निकलते ही उनका क्षय शुरू हो जाता है, दांतों से खून आने लगता है। इन सब उपद्रवों में यह अनुपम औषधि है। स्टेफिसग्रिया में दांत काले पड़ जाते हैं, उन पर काली रेखाएं दिखती हैं।
कितना ही मंजन करें काली रेखाएं मिटती नहीं, दांत भी टुकड़े टुकड़े होकर टूटने लगते हैं, दांतों की जड़ें खुरने लगें तो मेजेरियम तथा थूजा से लाभ होता है। मेजेरियम में दांतों का क्षय एकदम शुरू होता है, दांतों का इनामेल पहले खुरदरा हो जाता है फिर उतर जाता है। थूजा के भी दांत जड़ से सड़ते हैं, बाकी भाग ठीक दिखलाई देता है। क्रियोजोटम के दांत निकलते ही सड़ने लगते हैं। तो यहाँ मैंने क्रियोजोटम, थूजा, मेजेरियम इत्यादि दवा के बारे में बताया कि दांत के क्षय में, दांत के खराब होने में किन किन औषधियों का क्या क्या लक्षण है और किस आधार पर कौन सी औषधि का सेवन करना है। तो अगर दांतों के निकलते ही उनका क्षय शुरू हो जाए तब आपको क्रियोजोटम औषधि का सेवन कराना चाहिए। अगर दांत काले पड़ जाए, काली रेखाएं दिखने लगे तब आपको स्टेफिसग्रिया का सेवन कराना है। एक लक्षण और है कि बच्चों की पहली नींद में बिस्तर में पेशाब कर देना। पेशाब निकल जाने की हालत में यह औषधि बहुत अच्छा काम करती है, एक तरह से समझें तो यह महौषध है। जो बच्चे नींद में पेशाब कर देते हैं उनके लिए इसे प्रथम कोटि का औषधि समझना चाहिए। बच्चे के लिए ही नहीं, क्रियोजोट का रोगी पेशाब के लिए बाथरूम की तरफ लपकता है और बीच में ही उसका पेशाब निकल जाता है। बच्चे को स्वप्न आता है कि वह किसी अच्छी जगह पेशाब करने गया है, परंतु बेचारा उठकर देखता है कि उसने अपना बिस्तर ही गीला कर दिया है। इस प्रकार की शिकायत में क्रियोजोट औषधि से लाभ होता है और ऐसी शिकायतों में आप बिल्कुल क्रियोजोटम औषधि का सेवन करा सकते हैं। एक अंतिम लक्षण मैं बता रहा हूँ, रजोधर्म का लेटने से होना, बैठने या टहलने से रुक जाना और रुक रुक कर होना, ये लक्षण भी क्रियोजोटम में पाया जाता है। तो क्रियोजोटम का एक अद्भुत लक्षण यह है कि रजोधर्म लेटने से तो होता है परंतु अगर स्त्री उठ बैठे या टहलने लगे तो रुक जाता है। रजोधर्म रुक रुक कर होता है, कभी बिल्कुल रुक जाता है, कभी फिर होने लगता है। सल्फर में भी यह लक्षण पाया जाता है और यह लक्षण क्रियोजोटम में भी है। तो दोनों का अच्छे से लक्षण का मिलान करके ही औषधि का चयन कीजिएगा। बस एक बात ध्यान रखें कि रजोधर्म के लेटने से होना, बैठने या टहलने से रुक जाना क्रियोजोटम का एक लक्षण है और इस लक्षण के आधार पर आप जरूर क्रियोजोटम औषधि का सेवन करा सकते हैं। क्रियोजोटम औषधि का रजोधर्म संबंधी अन्य लक्षण मैं समझा देता हूँ। रजोधर्म से पहले और होते समय सिर दर्द। रजोधर्म शुरू होने से पहले और रजोधर्म होते समय तेज सिर दर्द होता है और यह लक्षण सीपिया में भी पाया जाता है। जल्दी अधिक देर तक दुर्गंध वाला। रजोधर्म बहुत जल्दी, बहुत अधिक, बहुत देर तक होता है। मासिक का रुधिर बहुत ज़्यादा दुर्गंध युक्त होता है। मैं यहाँ क्रियोजोट तथा सीपिया की तुलना भी कर देता हूँ। दुर्गंध युक्त मासिक स्राव में क्रियोजोट और सीपिया की तुलना करना आवश्यक है। दोनों में मासिक दुर्गंध युक्त होता है परंतु सीपिया का मासिक स्राव थोड़ा, क्रियोजोट का अधिक। सीपिया का रक्त स्राव हरकत से अधिक, चुपचाप रहने से कम होता है। क्रियोजोट का रक्तस्राव हरकत से कम, चुपचाप रहने से अधिक होता है। लेटने से रक्तस्राव का होना इस औषधि के लक्षण के बारे में हम पहले से कह चुके हैं कि अगर रोगिनी लेट जाती है तो फिर उसका रजोधर्म होता रहता है, पर बैठती है या टहलने लगती है तो रुक जाता है और ये लक्षण भी क्रियोजोट में पाया जाता है। शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो 3, 6, 30 और 200 पोटेंसी में बिल्कुल क्रियोजोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्यूट केस है तो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, 2 बूंद दिन में 3 बार जीभ पर टपकाएं। अगर क्रॉनिक केस है तो हफ्ते में 1 बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बूंद जीभ पर टपका सकते हैं। ध्यान रखिएगा यह औषधि सर्द प्रकृति के लिए है, अर्थात ठंड से सर्द से रोग में वृद्धि होती है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।